बाबा केदार को प्रणाम करता हूँ और बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई, जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत ये विकास की जीत है, हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है, हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया, तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेते हैं कि केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड का जो हमने विकास का संकल्प लिया है कि विकास अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हम उसको पहुंचाने के लिए हरदम प्रयास करेंगे। पूरी केदार घाटी को, केदार विधानसभा को एक आदर्श रूप में स्थापित करने के लिए, वहाँ पर नवाचार स्थापित हो, वहाँ पर विकास स्थापित हो। हमारी मातृशक्ति जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस राज्य को बनाने में भी योगदान दिया है, इसकी शुरुआत हम इसी श्री केदारनाथ विधानसभा से करेंगे, जहाँ से ये प्रचंड जीत बाबा के आशीर्वाद से मिली है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या बद्रीनाथ, उनके मुंह पर जनता ने करारा तमाचा मारा है, उनको अपने वोटों से जवाब दिया है। मैं एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास का क्रम हमने राज्य के अंदर शुरू किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का जो संकल्प लिया है, हम उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सर, महाराष्ट्र में भी आपने लगातार कैंपेन किया और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की एक बड़ी जीत देखने को मिल रही है, सर किस तरीके से देखते हैं सर? जो महाराष्ट्र की जीत भी सुशासन की जीत है, महाराष्ट्र की जीत विकास की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में आज देश के अंदर सरकार चल रही है, 10 सालों में जो काम हुआ है, सुशासन हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी हैं, उन सब की जीत है। और लोगों ने डबल इंजन को प्राथमिकता दी है, हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जीत एक नए युग की शुरुआत है। और उत्तराखंड के अंदर भी जो श्री केदारनाथ विधानसभा की जीत है, निश्चित रूप से लोग कहते थे कि ये हमारी सरकार के खिलाफ हमारा ये चुनाव है, ये चुनाव हमारा सेमीफाइनल है, तो निश्चित रूप से जनता ने उनको जवाब दे दिया है कि सेमीफाइनल में भी तुम हारे हो, आगे आने वाले फाइनल में भी हारोगे, निकाय में भी हारोगे, पंचायतों में भी हारोगे, सारे चुनाव में तुम्हें जनता कहीं तवज्जो नहीं देगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।